नमस्कार, मैं हूं रवि। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट कंप्यूटर ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आज मैं जो वीडियो लेकर आया हूं वो आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे आप अपने इनकम टैक्स के रिवेट से बचने के लिए, इनकम टैक्स के रिवेट पाने के लिए आप कैसे अपने सेविंग्स को एम्प्लॉय पोर्टल पर डाल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, पहले क्या होता था कि सारा हमारा जो इनकम टैक्स डिडक्शन होता था फरवरी के महीने में, लास्ट महीने में सैलरी से डिडक्ट किया जाता था और सिर्फ एक महीने में सारा कैलकुलेट करके इनकम टैक्स काट लिया जाता था। लेकिन अभी क्या है कि पेरोल आउट हो जाने के बाद हम सभी को पर मंथ इनकम टैक्स पे करना है। पर मंथ करने का मतलब, अगर हमारा एक साल का इनकम टैक्स 12,000 रुपया है तो पर मंथ 1,000 1,000 रुपये करके सिस्टम ऑटोमेटिक आपका इनकम टैक्स डिडक्ट करेगा आपके सैलरी से। लेकिन अगर किसी का इनकम टैक्स कट रहा हो और उनका रिबेट यानी चैप्टर 6 में रिबेट 1,50,000 रुपये तक नहीं आ रहा हो, तो आपको अलग से, अगर आपका कोई सेविंग है, कोई PLI है, कोई NPS है या KVP है, NSC है, जो जो प्रकार का भी है आपके पास अलग से सेविंग, उसे आपको एम्प्लॉय पोर्टल पर दिखाना होगा। जैसे ही आप एम्प्लॉय पोर्टल पर उसे एंट्री करेंगे तो आपका जो इनकम टैक्स अभी पर मंथ कट रहा है उसमें आपको रिबेट मिलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि अपने इनकम टैक्स को रिबेट लेने के लिए कैसे कैसे एम्प्लॉय पोर्टल से आपको ये IT डिक्लेरेशन डालना होगा। चूंकि IT डिक्लेरेशन जब तक नहीं डालेंगे तब तक सिस्टम आपका इनकम टैक्स काटता रहेगा। तो चलिए देखते हैं कि IT डिक्लेरेशन हम लोग कहाँ से लगाते हैं और कैसे लगाते हैं। तो चलता हूँ सीधे वीडियोज की ओर, आइए शुरू करते हैं। तो आपको करना क्या होगा, सबसे पहले सैप लॉगिन कर लेना होगा। यहाँ से हम लोग अपना ID डाल करके सैप लॉगिन कर ले रहे हैं। मैं अपना ID लॉगिन कर ले रहा हूँ। यहाँ पर ID और नीचे जो आपका सैप का लॉगिन पासवर्ड होगा वो पासवर्ड डाल के यहाँ से नीचे जो लॉगिन का बटन है वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। पासवर्ड डाल लिया मैंने, अब यहाँ से लॉगिन करते हैं। जैसे ही लॉगिन करते हैं हम लोग डायरेक्ट हो जाएंगे कहाँ, सैप के अंतर्गत, यानी सैप वाले विंडो में हम लोग आ जाएंगे। सैप वाले विंडो में आ जाने के बाद एक टी कोड मैंने यूज किया है, ZDOP main_main, और यहाँ पर हम लोग आ गए हैं ZDOP_main वाले स्क्रीन पर। और यहाँ पर एम्प्लॉय पोर्टल पर अभी क्लिक करते हैं। जैसे ही इस एम्प्लॉय पोर्टल पर हम लोग क्लिक करेंगे हमारा एक नया विंडो ओपन होगा, यानी कि पोर्टल वाला विंडो ओपन होगा जो एक आपके ब्राउजर में ओपन होगा। तो यहाँ से देखिए ये पोर्टल वाला विंडो मेरा ब्राउजर में ओपन हो रहा है, और इसे ओपन होते ही यहाँ फिर से मैं सेम ID पासवर्ड डालकर लॉग इन करूंगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर साइन इन, यूजर ID और पासवर्ड, ये दो चीजें यहाँ पर पूछी जा रही है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, फिर से वही अपना सेम ID यहाँ पर इंटर कर ले रहा हूँ और पासवर्ड फिट करके यहाँ से लॉग इन कर जाऊंगा। तो यहाँ से मैं अपना ID डाल ले रहा हूँ। और यहाँ से पासवर्ड, उसके बाद यहाँ से करते हैं लॉगन। जैसे ही लॉगन किए यहाँ से पूछ रहा था कि पासवर्ड सेव करना चाहते हैं, मैंने नो कर दिया ताकि अगली बार मैं फिर से पासवर्ड डालूँ। और अब देखिए जैसे ही लॉगिन किए ये हम आ गए अपने पोर्टल के अंतर्गत। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ऊपर जो दिख रहा है आपको एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस, एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस वाले फोल्डर पे यहाँ पर हम लोग टैब पे क्लिक करेंगे। जैसे ही एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस वाले पे क्लिक करेंगे हमारा एक नया क्या होगा, विंडो, यानी कि नया लुक आएगा, नया विंडोज खुलेगा। देखिए जैसे ही ये हमारा नया विंडो खुला यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है जहाँ से हमको जो चीज़ें जरूरी है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले वहाँ पर क्या किए, एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस वाले ऑप्शन पे हम लोग क्लिक किए
और यहाँ पर हम लोग इम्प्लॉय पेमेंट पर क्लिक करते हुए यहाँ पर आ गए। अब यहाँ से हमें आईटी डिक्लेरेशन, ये जो आप देख रहे हैं, इस पर क्लिक करके सारे डिटेल्स को फिल करना होगा। फिल कैसे करना होगा कि हमारे पास कौन कौन सी सेविंग है, और इसी के अंतर्गत हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग किसी प्रकार का जो भी हमें अलाउंस वगैरह अप्लाई करना हो यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस, हमारा थर्ड पार्टी डिडक्शन कितना है, हमारा एनपीएस कंट्रीब्यूशन कितना हो रहा है, हमारा जीपीएफ पर मंथ कितना कट रहा है, कितना रिबेट हो रहा है, कितना इंटरेस्ट, मतलब यहाँ से आप वो हर चीज एक्सेस कर पाएंगे। तो एक्सेस करने के लिए यहाँ से आपको जिस जैसा भी ऑप्शन चाहिए वैसा यहाँ से आपको क्लिक करना होगा, ठीक है, या जीपीएफ विड्रॉल हो या कुछ कुछ भी हो। अभी हम लोग आईटी डिक्लेरेशन वाले पे क्लिक करते हैं। देखिए जैसे ही आईटी डिक्लेरेशन पे क्लिक करते हैं हम एक नए विंडो में ओपन हो जाते हैं, ठीक है। जैसे ही हमारा एक नया विंडो ओपन होता है, और अब यहाँ से ये हमारा आईटी डिक्लेरेशन का विंडो ओपन है, यहाँ से ऊपर देखिए आपको सारा डिटेल्स देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम लोग को चूज करना होगा 80C, ठीक है, टाइप ऑफ डिक्लेरेशन हम लोग 80C चूज करते हैं। उसके बाद यहाँ से देख लीजिए, मैं आपको आउटलुक दिखा दे रहा हूँ, जो कुछ भी है यहाँ पर क्या क्या फिल करना है क्या नहीं, ये सब कुछ आप पूरा विंडो एक बार अच्छे से देख ले। देखिए यहाँ पर इस तरह की चीजें आएंगी, यहाँ से आप लोग नीचे जो भी है डॉक्यूमेंट नेम है ना, अमाउंट सब कुछ जानने के बाद आप अपना जो डॉक्यूमेंट है उसे स्कैन करके भी अपलोड कर सकते हैं। इतना कर लेने के बाद आपको फाइनल सबमिट कर देना होगा। तो अभी हम लोग अमाउंट को अपना जो फीड करेंगे वो कहाँ करेंगे और कैसे करेंगे, तो हमें यहाँ पर 80C के तहत जो डिक्लेरेशन देना है पूरे एक साल का देना है कि मैं एक साल में कितना खर्च करने वाला हूँ। और यहाँ पर दो चीजें हैं, प्रपोज्ड और एक्चुअल, ठीक है, प्रपोज्ड और एक्चुअल करना है। तो यहाँ पर अभी एक्चुअल आपका हाईलाइट नहीं है, आपका एक्चुअल हाईलाइटेड नहीं है, हमें जो कुछ भी अभी एंट्री करना होगा अमाउंट प्रपोज्ड में, चूंकि अभी हम प्रपोज कर रहे हैं कि एक साल में मैं इतना इतना यहाँ इन्वेस्ट करने वाला हूं। इसके बाद एक्चुअल में क्या होगा आपका, मान ली जाए कि मेरा हजार हजार पर मंथ इन्वेस्टमेंट है तो एक साल में हो गया 12,000। मैंने यहाँ प्रपोज में मैं डाल दूंगा कि 12,000 में मेरा एक साल का प्रपोज अमाउंट है, और हो सकता है मैं एक साल में 8,000 में जमा कर पाऊं, यानी 8,000 ही सेविंग कर पाऊं, तो मेरा वहां 12,000 काउंट ना होकर के 8,000 रुपये ही काउंट होगा, और बाकी अगर उसके ऊपर इनकम टैक्स लगना होगा तो सैलरी से लास्ट मंथ वो डिडक्ट करेगा। तो वही चीज यहां पर करना है कि हमें प्रपोज अमाउंट में फीड करना होगा, और प्रपोज अमाउंट में फीड करने के लिए यहां पर हमें चूज करना होगा कि किस तरह का कंट्रीब्यूशन मेरा यानी सेविंग है, ये एनपीएस का है, जीपीएफ का है, एलआईसी का है, या इंश्योरेंस का है, जो भी है वहां पर चूज करके यहां पर प्रपोज वाले में आपको क्या करना होगा, अमाउंट को फीड करना होगा, ठीक है। अभी मैं इसे क्लोज कर ले रहा हूं। हाँ, तो मैं बता रहा था कि आपका जो भी है जिस प्रकार का भी सेविंग है उसे चूज करके आपको यहां पर प्रपोज अमाउंट में एक साल का कैलकुलेट करके अमाउंट फीड कर देना होगा कि मुझे इतना फीड करना है, ठीक है। तो देखिए अभी मैं जैसे कि मेरा पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है जो कि सैलरी से नहीं कटता है, एडिशनल मैं उसको एक्स्ट्रा से पेमेंट करता हूँ, ठीक है, खुद से पासबुक के थ्रू। तो मैं यहाँ पर देख ले रहा हूँ कि ढूंढना होगा कि सैलरी यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कहाँ है। देखिए ये है ना लाइफ इंश्योरेंस, इसमें मैं अमाउंट को फीड कर दूंगा प्रपोज में, जैसे एक साल में मेरा जो भी खर्च है कि एक साल में मैं कितना जमा करता हूँ, मैं जनरली जमा कर ही देता हूँ, जो मेरा एलआईसी का अमाउंट है, प्रीमियम है पर मंथ, उसके हिसाब से मैं कैलकुलेट कर ला रहा हूँ एक साल में मुझे कितना जमा करना है, यानी एक साल में मैंने मान ली इतना अमाउंट जमा किया। उसके बाद यहाँ से नीचे आके देखिए वही इंटर डॉक्यूमेंट नेम है, वहां पर आप डाल सकते हैं पीएलआई है, इंश्योरेंस है, जिस प्रकार का भी आपका डॉक्यूमेंट टाइप है वहां पर आप लिख सकते हैं। और लिखने के बाद जैसे कि अमाउंट जो मैंने लिखा यहाँ पर वही नेम यहाँ लिख देते हैं पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, और फिर से सेम अमाउंट यहाँ पर आपको लिखना होगा, मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर आपको सेम अमाउंट को फीड करना होगा, और ब्राउज में जा करके आपको डॉक्यूमेंट चूज करके और यहाँ से जो है आपको सबमिट वाले पे क्लिक करना होगा, ठीक है।
तो करना क्या होगा, जो भी अमाउंट मेरा फीड हुआ है ठीक है वो देख लेगा। देखिए यहाँ पर अमाउंट फीड है, अभी यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, कमेंट करना होगा कि मैं किस तरह कमेंट लिख सकते हैं, बस प्लीज अप्रूव, या फिर और भी कुछ लिख सकते हैं, या डिटेल्स बता सकते हैं कि हमारा पीएलआई का डॉक्यूमेंट है जो कि हमारे सैलरी से नहीं कटता है, इसके अलावा मैं इसका पेमेंट करता हूँ, वो लिख करके यहाँ से कमेंट में क्या करना होगा, मुझे यहाँ से सबमिट करना होगा। अभी मैं लिख ले रहा हूँ कमेंट में जो भी है मेरा, ठीक है, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। पर मंथ 11,025 ओनली, और यहाँ से मैं फिट कर दूंगा, एंड दिस इज नॉट डिडक्टेड फ्रॉम माई सैलरी, ठीक है। उसके बाद यहाँ से सबमिट, जैसे मैं सबमिट पे क्लिक किया कुछ प्रोसेस चलेगा, और देखिए यहाँ से आपका वो सबमिट हो चुका है। जैसे ही यहाँ से आपका ये सबमिट हो चुका, ये चला जाएगा आपका कहाँ, डीडीओ के पास, यानी डीडीओ के आईडी में, उनके पोर्टल पे, और जब वहाँ से आपका डीडीओ अप्रूव करेंगे रिक्वेस्ट को, तो फिर आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट वो दिखेगा कि किसके द्वारा अप्रूव किया गया है, ठीक है। तो यहाँ से अपने डीडीओ को आप बताइए कि सर मैंने ऐसा ऐसा रिक्वेस्ट भेजा है, वहाँ से अप्रूव करे, तो आप यहाँ से जो जिनका भी इनकम टैक्स पर मंथ कट रहा होगा और जिनका चैप्टर 6 में रिबेट 1.5 लाख से नीचे होगा, वो यहाँ पर अपना एक्स्ट्रा सेविंग जो आप करने वाले हैं साल में लगा सकते हैं, ठीक है। और अपने डीडीओ को बताइए, वो वहाँ से अप्रूव करेंगे और आपको वो डायरेक्ट जहाँ सैलरी बनती है PA 30 में एक्सेस हो जाएगी, और वहाँ से आपका पर मंथ डिडक्शन होना बंद हो जाएगा। या फिर इसके बाद मान ले आपका 4,000 कट रहा, हो सकता है 2,000 पर मंथ कटना शुरू हो जाए, तो इस तरह से वो आपका डिडक्शन वहां से आप अपना बचा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये जो वीडियो है आपको समझ में आया होगा कैसे आप आईटी डिक्लेरेशन अपने एम्प्लॉय पोर्टल से लगा सकते हैं, और कैसे रिक्वेस्ट को यहाँ से आप जनरेट कर सकते हैं और अपने वीडियो से अप्रूव करवा के अपने इनकम टैक्स डिक्लेरेशन का पूरा फायदा उठा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा और काफी पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि और शेयर करना ना भूले, ताकि ये वीडियो सब लोगों के पास पहुंचे जिनको अपना आईटी डिक्लेरेशन लगाना हो। तो बने रहे स्मार्ट कंप्यूटर ट्यूटोरियल के साथ।